दियर स्टूडेंट्स uh, आज हमारा जो टॉपिक है वो सॉइल फार्मेशन से रिलेटेड है सॉइल फार्मेशन थ्रू वैदरिंग प्रोसेस वैदरिंग प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो गया है और लास्ट टाइम हम अगर आपको याद होगा तो हमने रेगोलिथ के बारे में पढ़ा था रेगो मीन्स ब्लैंकेट और लेयर सो दिस रेगुल्थ इज़ एक्चुअली लेयर ऑफ अनकसोलटेड वैदर्ड लूज मटीरियल डेवलप्ड ऑन द पेरेंट रॉक और बेड रॉक सो वहाँ हमने यह भी पढ़ा था कि सॉयल जो है सॉइल इज एक्चुअली पार्ट आफ रेगुलथ एंड इट इज प्रेजेंट एट द ट मोस्ट पोर्शन द रेगुलथ दैट मीज दॉप मोस्ट लेर पोर्शन दैट सपोर्ट दि ग्रोथ प्लान्टज नोन एज सॉइल तो सॉयल की डेफिनेशन सिम्पली पार्ट आफ रेगुलथ विद सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ प्लान्ट so this soil is actually formed through combination of uh, various processes physical chemical and biological processes and ultimately the end product of uh, this weathering all these weathering process soil formation of soil so soil is actually combination of various constituents it is a mixture heterogeneous mixture so it is composed partly of inorganic mineral mineral grains इसमें होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्मॉल ऑफ रॉक फ्रैगमेंट मिनरल फ्रेगरेंस दैन दिस हार्ड पोर्शन हार्ड पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क दैन आल्सो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज ऑर्गेनिक द फॉर्म ऑफ ह्यूमस एंड यहाँ पे जो स्केमेटिक डाइग्राम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सो so, यह एग्जैजरेट करके हमने बनाया है क्योंकि सॉइल जो पार्टिकल होता है ग्रेन साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है सो पार्टली सैचूरेट सॉयल सैचुरेटेड सैचुरेशन इज विद इन पोर्स दैट आर प्रजेंट इन बिटवीन दीज ग्रेन सॉयल पार्टिकल्स सो इन पोर्स में जो सॉयल के दरमियान जो वाइड्स ओपनिंग्स रहती हैं इसमें एक और पोर्शन होता, होता है या एक कॉन्स्टेंट होता है या कॉन्स्टुंट्स होते हैं दैट इज़ वाटर एंड air so that means soil is combination of inorganic constituents mineral uh, fragments or decayed organic matter water and air so whenever the, uh, this is partly saturated that means the pores are not they are unsaturated with water or moisture they are not completely or fully saturated with water in case there is full saturation then what happens इसको हम जोन ऑफ एरेशन भी कहते हैं वो आगे आप पढ़ेंगे सो so दैट मीन्स इसमें एयर नहीं होगा बल्कि विल भी कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर दैट इज ग्राउंड वाटर और उसको हम फ्रियातिक वाटर भी कहते हैं सो so उस टाइम जो है एयर इनपोर्ज में नहीं होता है दिस इज़ पार्टिकल वाटर एयर रिलेशनशिप इट इज़ कम्पोज ऑफ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर सॉल्ड फ्रैगमेंट्स आर देयर देन देयर इज वाटर एंड एयर As well the constraints of soil, so this soil we can say this is actually layer of unconsolidated material at the surface of the earth, so this development of soil the process takes thousands of years, so that means to build up soils and, and under the influence of various environmental factors which are responsible for the formation of soil, it takes hundreds of. thousands of years rather for the formation of mature soil. So soil for uh, formation processes and the formation of soil profile through weathering processes. इसमें होता क्या है ये हम uh, next clip में देखेंगे क्योंकि ये video फिर बहुत बड़ा बन जाता है size इसका बड़ा बन जाते हैं तो फिर uploading में problem हो जाती है तो यह वेस्ट for the part or portion second of this video in which we will study about the formation of soil profile and the soil processes are simply where a soil formation through weathering processes take care